जैसे ही सुबह के सूरज ने नींद वाले गांव को चूमा, सैम पास में छिपी अलौकिक शक्तियों से अनजान होकर एक फोटोग्राफिक यात्रा पर निकल पड़ा। मनोरंजन की तलाश में सैम को ज्योतिष शास्त्र पर किताब मिली। इसकी शक्ति से बेखबर उसने अनजाने में एक प्राचीन शक्ति को जागृत करते हुए जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही गांव में अंधेरा छा गया, हवा में बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट भर गई। जैसे ही एक अदृश्य उपस्थिति करीब आई, सैम का दिल भय और साजिश के मिश्रण से दौड़ गया। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, कुर्सियां पूरे कमरे में नाचने लगी और सैम को एक दिल दहला देने वाला एहसास हुआ। उसने परछाई के बवंडर में एक दूसरी दुनिया की इकाई को बुलाया था। सैम के सामने ऊर्जा साकार हुई, इसका द्वेष स्पष्ट था, जिससे सैम असहाय हो गया। अपनी गलती की वास्तविक सैम को महसूस करते हुए वह इसके भयावह चंगुल में फंस गया था। अधिक दृढ़ संकल्प के साथ सैम ने कांपते होठों के साथ प्राचीन मंत्रों और हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हुए मुकाबला किया। हर मंत्र में अवज्ञा की गूंज थी, क्योंकि वह प्रतिशोधी ऊर्जा के चंगुल से मुक्ति की सख्त तलाश कर रहा था। जैसे जैसे सैम के मंत्र मजबूत होते गए, ऊर्जा की पकड़ कमजोर होती गई। शक्ति के एक अंतिम उछाल के साथ यह नष्ट हो गई, जिससे सैम बेदम हो गया। फिर भी विजयी हुआ, क्योंकि गांव अपनी शांत स्थिति में लौट आया।